नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, जिसमें मैं अनिकेत देवांगन फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पूर्णतः नया टॉपिक। तो दोस्तों, जैसे कि प्रीवियस 6-7 क्लासों में हमने लगभग इकोनॉमी के सारे एक्सपेक्ट को देख लिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ पर स्टैंड करती है और हमारे अर्थव्यवस्था की विशेषता है क्या और ये कैसे काम करती है। तो दोस्तों, यदि हम लोग प्रीलिम्स के सिलेबस की बात करें तो इस टॉप एमसीक्यू सीरीज का उद्देश्य ही है कि इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से पूरे सिलेबस को कवर करना, जिसमें हमने पिछले 7 क्लास में देखा, स्टेप बाय स्टेप देखा और सारे सिलेबस को कवर करते गए। इसी उपलक्ष्य में हम लोग ये जो आज का टॉपिक है, जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है, इसको करने के बाद में ठीक है इकोनॉमी को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को जब भी आप लोग रिवाइज करें तो इतना ही पोर्शन आप लोग को ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो डेटा वाला पोर्शन है, चूंकि हर 3 महीने में गवर्नमेंट के द्वारा रिपोर्ट जारी होता है और इसी कारण मैंने डेटा का कोई भी पार्ट नहीं पढ़वाया, क्योंकि एग्जाम से पहले ये सारे जो पोर्शन है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको बस केवल आप लोग को ध्यान में रखना है। तो आज का जो क्लास है इस सीरीज में वो है भारतीय बैंकिंग के ऊपर। तो चलिए आज की विषय सूची देखते हैं। आज की विषय सूची के अंतर्गत में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकों का इतिहास, बैंकों की कार्यप्रणाली, बैंकों के प्रकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके कार्यों के ऊपर में चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम स्थापित बैंक है। यदि भारत में बैंकों की हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो बैंक है वो 1770 में यूरोपीय पद्धति पर आधारित बैंक ऑफ हिंदुस्तान रहा है। ठीक है, चलिए इसके इतिहास के ऊपर में बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। तो सबसे पहले यदि बैंकों की बात करते हैं तो 1770 में ठीक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि यूरोपियन सिस्टम पर बेस्ड था, इसकी स्थापना की गई थी। भारत में यदि हम लोग बैंकों के इतिहास के बारे में जाए तो बहुत ही तेजी से इसका ग्रोथ जो है भारत में हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला, और उसके पीछे का रीजन क्या है, जब यूरोपियन जो कंट्री थे ठीक है या ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में शासन कर रही थी तो वो कहां से आई थी, ब्रिटेन में आई थी, और ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वहां पर लागू था। ठीक है, संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से उन लोग काम करते थे और उन लोग महारानी से चार्टर लेकर भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, भारत में उस समय साहूकारों का, जमींदारी वर्ग का बहुत ही ठीक है प्रभाव हुआ करता था और लोगों को स्थानीय स्तर पर जो ऋण प्रोवाइड का करने का काम करते थे, पैसों का लेन देन काम करते थे, ये जमींदार और साहूकार वर्ग या ऐसे ही लोग किया करते थे। ठीक है, और ये समाज में शक्तिशाली वर्ग हुआ करते थे। तो अंग्रेज जो है हमारे यहाँ बैंकिंग सिस्टम लेकर तो आए, लेकिन सबसे ज्यादा जो विरोध का सामना इन्हें करना पड़ा वो इन्हीं स्थानीय जमींदारों साहूकारों से करना पड़ा, और इसके कारण ये भारत में बैंकों को पनपने नहीं दे रहे थे। तो 1770 में प्रयास तो किया गया था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान का स्थापना किया गया था, लेकिन बहुत ही ज्यादा ये सफल नहीं रहा। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी प्रभाविता देश के अलग अलग हिस्सों तक ठीक है बढ़ाती गई। ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं कि 1850 के आसपास, 1860 के आसपास तक भारत में 3 प्रांत था, उनका गठन हो चुका था, और वो प्रांत थे, एक तो सबसे पहले बंगाल प्रांत, दूसरा मुंबई और तीसरा मद्रास। तो ध्यान में रखिएगा, आगे हम लोग देखते हैं 1806 में बैंक ऑफ बंगाल का गठन हुआ, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे का गठन हुआ, वही हम लोग देखते हैं। ठीक है, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास का गठन। फिर आगे चल के हम लोग देखते हैं दोस्तों, 1921 में इन्हें सशक्त करने के लिए, बैंकों को सशक्त करने के लिए इन तीनों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने लगा। तो 1921 में इन तीनों को ही मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानने लगे। ध्यान में रखिएगा, आजादी के बाद में
1 जुलाई 1955 को इसका अधिग्रहण कर लिया गया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो ध्यान में रखिएगा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसका जो गठन है 1 जुलाई 1955 को हुआ है, ठीक है। वैसे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये तीन बैंक जो है 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाने गए, इसे ही, ठीक है, आजादी के बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। बात करते हैं हम लोग, ठीक है, कि 1881 की जब हम लोग बात करते हैं तो ध्यान में रखिएगा जो भारतीयों के द्वारा स्थापित पहला बैंक था, ठीक है, सॉरी भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक जो था वो था, ध्यान में रखिएगा, अवध कमर्शियल, ठीक है, अवध कमर्शियल बैंक। तो ध्यान में रखिएगा भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक जो है वो कौन है, अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी जो स्थापना है 1881 में की गई थी। वही पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक की अगर हम लोग बात करिए, देखो भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक है और पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक की हम लोग बात करते हैं, भारतीय बैंक की हम लोग बात करते हैं, तो ध्यान में रखिएगा वो था पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1894 में। तो जैसा कि मैंने क्या बोला कि भारत में जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसका विकास जो है काफी धीमा हुआ, तो भारत में इसके पीछे का रीजन जानने के लिए ना 1930 में एक केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन किया गया। इससे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि छोटे छोटे स्तर पर स्थानीय काफी सारे बैंकों की स्थापना हुई थी, जैसे अलाहाबाद बैंक वगैरह हो गया है, अन्य बैंकों की भी जो स्थापना इस समय होने लगी, ठीक है। कुछ मुख्य मुख्य पोर्शन को हम लोग देखते हुए जा रहे हैं, तो ध्यान में रखिएगा 1930 में केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन हुआ था और इन्होंने एक रिपोर्ट सौंपा और भारत में, ठीक है, बैंकिंग तंत्र के सफल ना होने के पीछे का रीजन इन्होंने क्या बताया कि भारत में एक केंद्रीय स्तर पर रेगुलेटरी अथॉरिटी की या विनियामक संस्था की जरूरत है, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं ये ब्रिटिश पद्धति है और इसका जो कंट्रोल था चूंकि अंग्रेजों के हाथ में था और अंग्रेज जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अनुसार ही काम किया करते थे, तो चूंकि भारत में भारतीयों के लिए और उनके अनुसार जो है कोई ना कोई एक केंद्रीय विनियामक संस्था की जरूरत इन्होंने बताई। और ध्यान में रखिएगा 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एक्ट, ठीक है, लाया गया और उसी के तहत में हम लोग क्या देख रहे हैं 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ गया जो आजादी के बाद में 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारत में बैंकिंग तंत्रों को रेगुलेट करने के लिए एक सबसे बड़ी अथॉरिटी है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक या फिर केंद्रीय बैंक के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान में रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन किया गया। ध्यान में रखिएगा आजादी के बाद में वित्तीय क्षेत्र को बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए, ठीक है, 19 जुलाई 1969 को 14 जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक थे, अब उस समय हम लोग क्या देख रहे हैं काफी सारे छोटे छोटे बैंकों का गठन हो चुका था, तो 14 बैंकों का बैंक्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अब उन बैंकों का नाम याद करने की आपको जरूरत नहीं है, केवल आप लोग ध्यान में रखिएगा कि पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 को किया गया था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 19 जुलाई 1969। ये राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण जो है 15 अप्रैल 1980 को किया गया था और उसमें 6, ठीक है, निजी बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। तो राष्ट्रीयकरण कहने का मतलब क्या होता है, नेशनलाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब सरकार जो है, ठीक है, किसी एक प्राइवेट कंपनी का 50% से ज्यादा हिस्से का, ठीक है, शेयर धारक हो जाता है, मतलब 51% हो सकता है, किसी का 56%, किसी का 60%, किसी का 70%, किसी का 75%। यदि ये शेयर जो है 50% से ज्यादा
भारत सरकार के हाथ में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीयकृत कंपनी। तो ध्यान में रखिएगा 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और उस समय के हिसाब से राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो थी वो 20 थी। बाद में न्यू बैंक ऑफ इंडिया दिवालिया घोषित हो जाता है और उसका जो ठीक है विलय है वो ध्यान में रखिएगा पंजाब नेशनल बैंक के अंतर्गत में कर दिया जाता है। और इसी प्रकार आगे चल के राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो संख्या हो जाती है वो हो जाती है 19। वर्तमान में हम लोग क्या देख रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने भी ठीक है बैंकों को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए ठीक है और उनके एनपीए को कम करने के लिए और भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है। ठीक है 2020 के बाद में काफी सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और वर्तमान में यदि हम लोग बात करें तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या केवल 11 रह गई है। वही हम लोग क्या देखते हैं सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 हो गई। ध्यान में रखिएगा दोस्तों SBI जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि वो बैंक जिसका 50% से ज्यादा हिस्सा जो है सरकार खरीद लेती है उसे हम लोग राष्ट्रीयकृत बैंक बोलते हैं। लेकिन ध्यान में रखिएगा आज SBI का ठीक है ना भारतीयकरण किया गया है ना कि राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक है ये पूर्णतः एक सार्वजनिक बैंक के अंतर्गत में काउंट होते हैं। तो सार्वजनिक बैंक के अंतर्गत में ध्यान में रखिएगा 11 राष्ट्रीयकृत बैंक ठीक है जिसका 50% से ज्यादा हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीदा है प्लस एक SBI को हम लोग यदि इंक्लूड कर देते हैं तो सार्वजनिक बैंकों की संख्या वर्तमान में कितनी है दोस्तों 12 है। चलिए अब प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में बैंकिंग संबंधी गतिविधियों के लिए नियामक संस्था तो मैंने क्या बताया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही वो सर्वोच्च संस्था है जो भारत में बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट आते हैं भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ तो ध्यान में रखिएगा 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। और आगे बढ़ते हैं भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भारतीय बैंक से ये सबसे ज्यादा प्रश्न जो है बनते हैं तो थोड़ा सा भारतीय बैंक के बारे में या भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो RBI या रिजर्व ठीक है बैंक ऑफ इंडिया तो ध्यान में रखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है हिल्टन यंग समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई थी 1935 को। तो ध्यान में रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था ठीक है और 1949 को ठीक है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वर्तमान में इसके जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास जी ठीक है ना। वर्तमान में इनके जो गवर्नर है वो कौन है शक्तिकांत दास जी। यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों की हम लोग बात करें तो मेन यहां पर क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्यों से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो क्या है नोट निर्गमन ठीक है या नोट इशूइंग अथॉरिटी के रूप में ये काम करती है। नोट इशूइंग अथॉरिटी किसको बोलते हैं ध्यान में रखिएगा 1 रुपए से बड़े नोट जारी करती है कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा 1 रुपए ठीक है ना 1 रुपए के नोट एवं सिक्के जो हैं वो भारत सरकार जारी करती है और ध्यान में रखिएगा इसमें वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए से बड़े नोट जो है वो RBI जारी करते हैं और उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर यानी वर्तमान में शक्तिकांत दास जी के सिग्नेचर होते हैं। ध्यान में रखिएगा नोट को जारी करने के लिए 1952 से एक डिपॉजिटरी सिस्टम लागू किया गया है और इस हेतु कोई भी नया नोट छापने से पहले 200 करोड़ की संपत्ति होना चाहिए जिसमें से 115 करोड़ का
गोल्ड और 85 करोड़ के फॉरेन करेंसी एंड बॉन्ड, फॉरेन करेंसी एंड बॉन्ड के फॉर्म में होना चाहिए। तो ध्यान में रखिएगा, नोट इश्यूइंग अथॉरिटी के रूप में कौन काम कर रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान में रखिएगा, इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दूसरा काम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना। ठीक है, हम लोग क्या देखें कि मुद्रा की मात्रा को तय सीमा तक बनाए रखने के लिए कौन काम करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है। ठीक है ना, हर तीन महीने में ये पॉलिसी क्या करते जाता है दोस्तों, रिवाइज करते जाता है। तो दूसरा काम क्या है इसका, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना। तो आरबीआई का पहला काम नोट इश्यूइंग अथॉरिटी के रूप में, दूसरा ये मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तीसरा, यह सरकारी बैंकों के रूप में काम करता है, या सरकारी बैंकर के रूप में काम करता है। कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, इसके लिए जितने भी बैंकिंग संबंधी एक्टिविटी है वो कौन करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो सरकारी बैंकर के रूप में काम करता है, इसे बैंकों का बैंक भी बोलते हैं, बैंकों का बैंक, तथा अंतिम ऋण दाता के रूप में भी काम करता है। इसको बैंकर्स बैंक तथा अंतिम ऋण दाता के रूप में भी काम करता है। देखो, बैंकों को जब यहां पर उधार की आवश्यकता पड़ती है वो किसके पास में जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में जाते हैं, और अपने रेपो रेट के थ्रू हो या फिर बैंक रेट के थ्रू हो, ठीक है, अलग अलग माध्यम से ये ऋण लेते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, बैंकों के लिए बैंकिंग संबंधी एक्टिविटी भी कौन परफॉर्म करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही परफॉर्म करता है। उसके बाद में ध्यान में रखिएगा तीसरा जो है, तो ध्यान में रखिएगा पहला क्या था, नोट इश्यूइंग अथॉरिटी था, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने काम कर रहा था, तीसरा सरकारी बैंकर के रूप में काम कर रहा था, बैंकों का बैंक तथा अंतिम ऋणदाता के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। पांचवा, समाशोधन गृह के रूप में काम करना। कहने का मतलब, जब भी विवाद की स्थिति बनती है, चाहे वो दो बैंकों के बीच की बात करते हैं या ग्राहकों के बीच की बात करते हैं, तो ठीक है, उसका समाधान कौन देता है, वो भी कौन देता है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देता है। इसके अलावा कृषि एवं लघु एवं कुटीर उद्योग जैसे ठीक है ना, वीकर सेक्शन के लिए जो लोन उपलब्ध करवाने का काम भी करता है वो कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करता है। ठीक बात है कि नहीं, तो ध्यान में रखिएगा ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के काम है, मेन काम है। चलिए अब प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसका चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहां एक शीर्ष बैंक है, तो बिल्कुल ये केंद्रीय स्तर पर बैंक है, ठीक है, जो कि बैंकिंग संबंधी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ये लाइसेंस भी देता है। एक और काम यहां पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ये अन्य बैंकों को लाइसेंस भी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, यानी बैंकों को लाइसेंस भी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो कहने का मतलब, शीर्ष स्तर पर एक बैंक है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, केंद्रीय बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या मुद्रा के आपूर्ति को नियमित करता है, ये भी करेक्ट है, या व्यापारिक घरानों को ऋण प्रदान करता है, बिल्कुल नहीं, ये ऋण प्रदान नहीं करता है, ठीक है ना, ये ऐसी संस्थाओं को वित्त पोषण करता है जो कि ये संबंध को लोन प्रोवाइड करे, ठीक है ना, या नाबार्ड के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, ठीक है, ये नाबार्ड को ध्यान में रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोल रहा हूं, सॉरी, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, तो इसको क्या करता है, ये फंडिंग करने का काम करता है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 और 2 क्या होगा इसका, करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केंद्र सरकार का बैंकर है, ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरा, वह मौद्रिक नीति बनाता है और लागू करता है, बिल्कुल सही। वह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सिलसिले में सरकार के एजेंट के रूप में काम करता है, यह भी बिल्कुल सही है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि विदेशी मुद्रा का, ठीक है, जो संरक्षक है वो भी कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वह भारत सरकार के ऋणदार कार्यक्रम को संचालित करता है। मैंने ऑलरेडी बताया कि भारत सरकार के जितने भी ऋण संबंधित जो क्रियाकलाप है उसको भी करने के लिए कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सभी स्टेटमेंट इसके क्या है दोस्तों, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? सात नियंत्रण का कार्य है, ठीक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में बिल्कुल है, मौद्रिक नीति का निर्माण बिल्कुल है, जबकि सात सृजन का जो काम है ध्यान में रखिएगा वो कमर्शियल बैंक्स करते हैं, वाणिज्यिक बैंक करते हैं, ना कि आरबीआई करता है। तो चूंकि यहां पर पूछा गया है कि रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सात सृजन का कार्य। नेक्स्ट आते हैं, एक रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक रुपए का जो नोट है और जितने भी मूल्य के सिक्के हैं वो भारत सरकार जारी करता है, और ध्यान में रखिएगा एक रुपए के मूल्य के सिक्के पर वित्त मंत्रालय के सचिव का सिग्नेचर होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अग्रणी बैंक योजना, नाबार्ड, भारतीय स्टेट बैंक, इन बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, समय समय पर भारत में बैंकिंग स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अलग अलग किस्म के बैंकों की स्थापना की गई थी, जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई, अग्रणी बैंक योजना या लीड बैंक 1969 में लाई गई थी, नाबार्ड की स्थापना 1964 में की गई थी, जबकि भारतीय स्टेट बैंक जो है 1955 में स्थापित की गई थी। इस प्रकार बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम यदि पूछा जाए तो चार, ठीक है, तीन, दो, एक, तो कहने का मतलब इसका सही ऑप्शन क्या होगा, एक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? तो जैसे मैंने बताया था 1952 से डिपॉजिटरी सिस्टम हमारे यहां लागू है, जिसमें 200 करोड़ की संपत्ति नोट छापने के लिए अपने पास में रखना जो है आवश्यक होता है, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ का ध्यान में रखिएगा फॉरेन करेंसी और बॉन्ड रखना क्या होता है, जरूरी होता है। तो ध्यान में रखिएगा यहां पे पूछा गया कितने मूल्य का स्वर्ण, तो 115 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट आते हैं, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिक्के जारी करने का काम भारत सरकार का है, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय ये काम जो है करता है। नेक्स्ट आते हैं, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो ग्रामीण बैंकों की स्थापना है वो 1975 में की गई थी। चलिए हम लोग देखते हैं कि, ठीक है, इसकी स्थापना एक्चुअल में की क्यों गई है। तो मैंने क्या बताया था कि भैया बैंकिंग स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और देश के प्रत्येक नागरिकों को, ठीक है, बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। देखो, शहरों में तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो सामान्यतः प्रॉफिट मोटिव होते हैं और शहरों में बड़े बड़े उद्योगपतियों के कारण उनकी शाखाएं तो होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों पर वो ज्यादा लाभ ना नहीं मिलता है करके वो अपनी शाखा स्थापित नहीं करते थे, ठीक है कि नहीं दोस्तों। लेकिन क्या देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के भी विकास के लिए बैंकों की जरूरत थी, क्योंकि बैंक ही एक ऐसा माध्यम होते हैं जो लोगों को एक इन्वेस्टेबल फंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो समय समय पर वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अब ये वित्तीय समावेशन होता क्या है, वित्तीय समावेशन मतलब देश के प्रत्येक नागरिक को वित्तीय सुविधा या बैंकिंग सुविधा प्रदान करना ही क्या कहलाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखिएगा वित्तीय समावेशन कहलाता है। और इसके लिए समय समय पर कई प्रयास किए गए हैं, जिसमें से सबसे पहले 1969 में लीड बैंक योजना लाई गई थी। ध्यान में रखना, इस लीड बैंक योजना के तहत जो जिले की, ठीक है, जिले की सर्वाधिक शाखा वाली जो बैंक होती थी उसको लीड बैंक का दर्जा दे दिया जाता था। अब ध्यान में रखिएगा, उस जिले की इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है ना, को स्टडी करने का काम, ठीक, ये कौन करता था, लीड बैंक करता था, प्लस सजेशन देने का काम, वित्तीय सजेशन देने का काम भी किसका होता था, ये लीड बैंक का ही होता था, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, तो डिस्ट्रिक्ट में बैंकिंग एक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बोल दिया जाए, या वित्तीय जो स्थिति है उसको सही तरीके से दर्शाने के लिए बोल दिया जाए, 1969 में लीड बैंक की स्थापना जो है इसी के अंतर्गत में की गई थी। फिर हम लोग क्या देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए 2 अक्टूबर 1975 को ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए, ठीक है ना,
तीन राज्यों के चार क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान में रखेगा 1975 में, ठीक है, ग्रामीण स्तर पर बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। वही हम लोग क्या देखते हैं, 1964 में नाबार्ड आया था, जिसे 1982 में बैंक का दर्जा दिया गया। 1988 में किसान क्रेडिट कार्ड लाया गया। ये सब का उद्देश्य क्या है कि आम जनता को ना बैंकिंग तंत्र से जोड़े, ताकि वो भी बैंकिंग संरचना का उपयोग करते हुए सरकारी योजना का लाभ उठा सके। आज के डेट में देखते हैं दोस्तों, हम लोग चाहे मनरेगा मजदूर हो, चाहे छात्रवृत्ति योजना हो, चाहे सब्सिडी का पैसा हो, ये डायरेक्टली जो है बिचौलिए वर्ग को समाप्त करते हुए, ठीक है ना, ताकि जो एक्चुअल में बेनिफिट है वो जरूरतमंद लोगों को मिल सके करके डायरेक्ट ये जो पैसा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत आपके सीधे खाते में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, ये सब काम इसी के कारण किया गया था। फिर हम लोग क्या देखते हैं दोस्तों, 2013 में इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नचिकेत मोर समिति का गठन किया गया था, और इस समिति के रिकमेंडेशन के अनुसार 2014 के बाद में एक तो सबसे पहले जन धन खाता खोला गया, और डिफरेंट पेमेंट बैंक जो कि ग्रामीण एरिया में वित्त संबंधी कारोबार करने के लिए काम करते हैं, और दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि किसी भी क्षेत्र में वित्त संबंधी क्रियाकलाप, ठीक है ना, करने के लिए काम करते हैं, तो इसके स्थापना की जाने लगी। इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है ना, इसका उद्देश्य था कि देश के प्रत्येक नागरिकों को बैंकिंग तंत्र से जोड़े। ये क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसका सीधा अर्थ क्या है, देश के प्रत्येक लोगों को बैंकिंग तंत्र से जोड़े। तो अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक किस बैंक के अंतर्गत में काम करता है। तो ध्यान में रखिएगा, जैसे कि मैंने क्या बोला था कि स्थानीय या फिर ग्रामीण स्तर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना का उद्देश्य जो है ग्रामीण स्तर पर वित्तीय सुविधा प्रदान करना, ठीक है। और चूंकि जो कमर्शियल बैंक हैं वो प्रॉफिट मोटी होते हैं, और प्रॉफिट जो है उन्हें शहरों से प्राप्त होता था, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति वगैरह वाले जो हैं, पैसे वगैरह वाले जो हैं, वो शहरों में निवास करते थे। तो ग्रामीण स्तर पर लोन देने वाला या एक इन्वेस्टेबल फंड देने वाला कोई भी नहीं होता था। रीजन क्या, क्योंकि जो बड़े बैंक होते थे वो केवल शहरों तक सीमित होते थे, और अलग अलग गांवों में उनके जो शाखाएं उसकी स्थापना नहीं की जाती थी। और वर्तमान में यदि बात करें तो हम लोग, ठीक है, देश के प्रत्येक लोगों तक ये बैंकिंग संरचना का यदि प्रचार प्रसार नहीं होगा, इनका उपयोग नहीं करेंगे, तो ये काफी सारी सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि आज के डेट में हम लोग क्या देखते हैं कि बिचौलिए वर्ग को समाप्त करने के लिए जो केंद्र सरकार है, चाहे मनरेगा मजदूरी की बात करें, चाहे छात्रवृत्ति योजना की बात करें, चाहे सब्सिडी के द्वारा मिलने वाला जो पैसा है वो सीधा जो है बेनिफिशियरी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जाता है। तो कहने का मतलब मैंने क्या बताया दोस्तों, कि बैंक खाता होना जरूरी है, ठीक है। तो यह तभी संभव हो पाएगा जब ग्रामीण इलाकों पर बैंकों की स्थापना हो सकेगी, और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। चूंकि घाटे के कारण जो है सार्वजनिक बैंक जो है क्षेत्र पे शाखा का स्थापना नहीं करते थे, और इसी के कारण जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जा रही थी तो केंद्र सरकार ने क्या बोला कि ठीक है, 50% जो योगदान है वो केंद्र सरकार का रहेगा, 35% जो योगदान है वो उस राज्य की सबसे बड़ी सार्वजनिक बैंकों की रहेगी, और 15% जो योगदान है वो राज्य सरकार का रहेगा। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि सार्वजनिक बैंकों का जो हिस्सा है केवल 35%, और केंद्र सरकार जो है 50% के लगभग का हिस्सा रखे हुए है, ठीक है ना। तो घाटा कम होगा, और इसी के कारण हम लोग क्या देख रहे हैं कि तेजी से ग्रामीण बैंकों की स्थापना हो सके करके, ठीक है, 50% जो कंट्रीब्यूशन है किसने किया, केंद्र सरकार ने किया।
ठीक है। तो यदि छत्तीसगढ़ की हम लोग बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक शाखा वाली जो सार्वजनिक बैंक है वो कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत में काम करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वाणिज्यिक बैंकों में एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट का क्या अर्थ। देखो, नॉन परफॉर्मिंग असेट ऐसी संपत्तियों को बोला जाता है जिस पर लंबे समय से ना ही ब्याज का भुगतान किया गया है ना ही मूलधन की राशि दी गई है। कहने का मतलब, एक व्यक्ति लोन तो ले लिया, अब लोन लेने के बाद पश्चात वो गायब हो गया, ना ही ब्याज भर रहा है ना ही मूलधन भर रहा है, ऐसे संपत्तियों को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है बैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जाता। गलत, पूंजी परिसंपत्तियां जो प्रयोग में नहीं है, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं हो रही। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रतिछाया बैंकिंग क्या है, या जिसको शेडो बैंकिंग कहते हैं। देखो, भारत में बैंकिंग संबंधी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दो ही संस्थाएं जो हैं, ठीक है, उन्हें अप्रूव किया गया। एक तो क्या देख रहे हैं, सारे कमर्शियल बैंक, दूसरा पोस्ट ऑफिस। इसके अलावा बैंकों का दर्जा जो है किसी को नहीं दिया गया है। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा, फिर भी हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत सारी संस्थाएं ऐसे होती है जो लोगों को ऋण देते हैं, जैसे मुथूट गोल्ड, गोल्ड के बदले में क्या दिया जा रहा है, ऋण दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब, ये बैंक तो नहीं होते लेकिन बैंकिंग बैंकों के जैसे एक्टिविटी जरूर परफॉर्म करते हैं। ऐसे बैंकों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, शेडो बैंक बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, एक ऐसे वित्तीय संस्था जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था होती है जो बैंक ना होकर भी बैंकिंग संबंधी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। कहने का मतलब, ये लोगों को ऋण तो देंगे लेकिन कोई भी एक स्थायी जमा खाता जो है प्रदान नहीं करेंगे। स्थायी जमा खाता से कहने का मतलब क्या है, ना ही ये सेविंग अकाउंट देंगे, ना ही ये फिक्स डिपॉजिट देंगे, ना ही कुछ देंगे, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे बैंकों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, शेडो बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो प्रतिछाया बैंकिंग क्या है, तो बैंक के कार्य को बैंक द्वारा आउटसोर्स करना। गलत, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना ही क्या कहलाता है, शेडो बैंकिंग। कहने का मतलब, ये बैंक ना होते नहीं है लेकिन फिर भी बैंकों के जैसा क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान से किसको ऋण देने से संबंधित। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर, देश की प्राथमिकता क्या है, गरीब है, किसान है और ऐसे कमजोर वर्ग हैं जो अपने अपने परिवार की आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ना ही अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे पा रहे हैं, ना ही स्वास्थ्य सुविधा दे पा रहे हैं, जो छोटे छोटे उद्योगों से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को कमजोर वर्ग के क्षेत्रों में रखा गया। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में तीन क्षेत्र को डिफाइन किया गया। एक तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर माइक्रो, ठीक है, या लघु एवं छोटे उद्यम और दुर्बल वर्ग, वीकर सेक्शन के अंतर्गत में हम लोग क्या देख रहे हैं, एसटी एससी ओबीसी, महिला वर्ग, शिक्षा इत्यादि क्षेत्रों को इसके अंतर्गत में शामिल किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, ये सभी जो है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र ऋणदान के अंतर्गत में आते हैं। तो दोस्तों, बैंकों में हम लोगों को इतना ही देखना है, ठीक है, इससे ज्यादा आवश्यक नहीं है। बैंकों का इतिहास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बैंकों के कार्य हम लोगों ने पढ़ा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और भी ऐसे वीडियो के लिए जुड़े रहिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पर। बहुत ही जल्दी फिर से मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।